क्यों कौन लेना? एक कोई एक रीजन कुत्ता ना लेने का बस। कौन लेना गलू? एक रीजन बताओ। नहीं मैंने सही कौन लगा कुत्ता? क्यों कौन सही लगता आपने कुत्ता? बारह आज तुम्हारा भाई लगाएगा बाड़ों में एलोवेरा। आज एलोवेरा लगाकर बाड़ा चकाचक बना दूंगा। एक हाथ से कट तो नहीं रहा। अरे कट गया कट गया कट गया, ये मैंने छोटा काट दिया। अरे ये लो एक हो गया, अब दूसरा काट लूं। अरे इसको ही पूरा काट लेता हूं ना नीचे से। मेरी माँ नीचे गुस्से में हो रही है, उनका इतना टाइम लगा का के जल्दी आ जा नीचे। तो ये एलोवेरा लेके नीचे चलते हैं और बाड़ा में लगवा लूं। और आप लोग भी बाड़ों में एलोवेरा लगवाओ, एक नंबर के हो जाए चिकने बाड़। तो गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और अगर आपको मेरी तरह घर में गोवा की फील लेनी है तो आपको चाहिए क्या? एक चश्मा और बाल ऐसे नीचे और ये नारियल पानी। आ रही है ना गोवा की फील? नहीं आ रही तो भाई गोवा चले जाओ, है ना? गोवा की फील तो गोवा जाके ही आएगी। और अगर सस्ती गोवा की फील लेनी है तो फिर ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो। गाइज मेरा डेली यहाँ पे खड़े हो गए ना, सिर्फ एक ही काम है। बताऊँ वो काम क्या है? कि मेरी माँ का वेट करना कि वो क्या चीज़ और लेके आ रही है। मैं देखो ये सारे खड़े हैं यहाँ पे। और अभी ये पता है मेरे को क्या दिया मेरी मां जाते जाते? बोली वो जो तू डोली में दूध लेके आया था ना वो डोली वापस ले जा यार, ये सब काम मेरे है क्या भाई? मैं ही करूँ क्या हर चीज? जय श्री राम, भगवान का नाम लेके चल दिए हैं। और आप सब भी जो भी काम करो ना पहले भगवान का नाम ले लिया करो, जय श्री राम बोल दो, वो काम पक्का हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। गाइस एक बात बताओ मुझे, टाइम ही कितना लगता है कोई काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेने में? अगर वो काम उससे अच्छा भी हो जाए, और अच्छा भी है, भगवान को तो याद करना ही चाहिए, कभी कभी बिना काम भी याद कर लिया करो। ये तो भाई ट्रूथ है कि कोई भी इंसान बिना अपने फायदे के भगवान को याद करता ही नहीं है, और जो करते हैं उनका कभी बुरा वक्त आता ही नहीं है। भाई डोली भी ले लो आपकी, और इसको और खोल लो, इसके अंदर अब पता नहीं ये क्या हथियार से दिए हैं भाई। मशीन है क्या? वो तलवार है भाई पुराने जमाने की। क्या है भाई इसमें? तो इसको निकाल लो भाई, ये जो भी है शाही इस तरह बना कर रखे हुए। ओए क्या देखा गाड़ी में पिटना है ना भाई? किसकी याद में खोए हो? किसको याद कर रहे हो? किसी को नहीं भाई, नोनी को। गाइज तो मैं कल जा रहा हूँ और तुम लोग मुझे मिस करोगे? वो तो करेंगे, यो करना पड़ेगा। गाइज कपड़े भी चेंज हो चुके हैं और मैं यहाँ से निकल भी चुका हूँ। और अरे एक सेकंड रुको, मैं यहाँ से निकल भी चुका हूँ और बताऊँ कपड़े मैंने इसलिए चेंज कर लिए क्योंकि मुझे कोई रील शूट करनी थी, इसीलिए उसमें कपड़े बदलने थे। मतलब ब्लैक ब्लैक में ज़्यादा रील बन गई थी तो मैं कहा एक इसमें बना लेते हैं। मैं टी शर्ट साथ में लेके आया था बैकअप। मैं नोनी और को बाय बाय बोल के आ चुका हूँ कि भाई अब मिलते हैं दिवाली के पास, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ दिल्ली बैक टू बेसिक्स। कॉलेज खुल चुके हैं हमारे 20 तारीख को, लेकिन मैं 21 से कॉलेज जाऊँगा एक दिन। कोई बात नहीं, पहले दिन कौन सी पढ़ाई होती है कॉलेज में। और अब बहुत दिन हो गए कॉलेज वाले दोस्तों से मिले, सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, नए नए व्लॉग बनाएंगे और नई नई बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा पढ़ाकू है। और इसको भी बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कल से तो वही ई रिक्शा जिंदाबाद। आज इसको घुमा लेता हूँ अच्छी तरह। पापा भी मेरे इस बात में मजे ले रहे थे, बोले ओहो आज चला लो इस गाड़ी को, फिर तो आपको दिवाली पे चलाने को मिलेगी, क्योंकि वहां तो ई रिक्शा में घूमने। गाइस दिल्ली गाड़ी ले जाने का ना कोई फायदा भी नहीं है भाई, मतलब यहाँ से स्पेशल दिल्ली गाड़ी ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉलेज और कॉलेज से घर और कहीं नहीं जाना होता। मेट्रो सबसे बेस्ट है, मजा आ जाता है मेट्रो में घूम के, मेट्रो के अलग ही मजे है। तो मैं कहा यार क्यों वो मजा स्पॉइल करे, गाड़ी का मजा तो हम यहाँ भी ले सकते हैं। गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और अब मुझे मम्मी से पूछनी है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज। माँ आपको याद है मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक बात बोली थी? बोला कि हम घर पे कुत्ता लेके आ रहे हैं। क्या करेंगे मतलब? कुत्ता पालेंगे भाई। कुत्ता का तो बोल रहा है ना, तू कल दिल्ली चला जा, कुत्ता को रख लो। और कुत्ता का तो बोल रहा है, तुमने पहले बता दिया था ना, दिमाग खराब ना करया कर मेरा। कुत्ता ना आप पालोगे? तू पालूं कुत्ता मैं? कुत्ता तू पाल दिया फिर तू। अरे वो कोई बात कोई भाई, ऐसा कुत्ता चाहिए जो पाड़ भी सके, मैं तो सिर्फ भोकू भोकू। मेरी बात सुनो, मैं कुत्ता पाड़ांगे, ब्रीड आप बता दो कौन सी लेके आनी है, नस्ल ना 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 मैं वो ले भाई, वो प्यारा कुत्ता लेके आऊंगे, लैब्राडोर ना, कोई प्यारा जर्मन शेफर्ड लेके आऊंगे, जर्मन शेफर्ड ना। क्यों? अरे यार क्या दिक्कत है यार, आप एक अरमान को पूरा करने देंगे जिंदगी में? कुत्ता रखने का अरमान है बस। कुत्ता पाड़ो वो अपने गले बेड पे सोगा, बेड पे सोगा। कुत्ता क्यों को नहीं अच्छा लगता?
क्यों चिड़ी बाहर आए थे क्या? बाहर तो बरपाल रखे हैं, पाल कौन रखे? कुत्ता अपना गले उरस होगा बेड पे, इतनी फुर्सत कौन भाई बेड पे कुत्ता मां मान जा ना, कौन मानू मैं तेरे पापा पूछे, पापा पूछ लिए, पापा बोले कुत्ता रखेंगे, हां कुत्ता रखोगे तो फिर कुत्ता ही कुत्ता रखो फिर, क्यों मां मेरी बात सुनो, कुत्ता रखेंगे भाई, भीतर अंडा गाओ भीतर पोटी करेगा, सब कुछ भीतर करेगा, तू साफ करेगा, आप साफ करोगे, आप साफ करोगे, एक और बच्चा पालना पड़ेगा आपने, क्यों यार यहाँ के वो है जबरदस्ती, कपड़े समेट दे पहले तो, कपड़े समेट लो तो, एक वो जोड़ी उसने मम्मी पापा कपड़े पर आया करांगे, कुत्ते ने कपड़े पर आओगे सब कुछ करांगे उसने, और क्यों उसने नंगा घुमाओगे अरे वो निकल ना होती उनके कपड़े अलग हो, मम्मी मान जो यार कुत्ता लाने दो प्लीज, मजा आ जाएगा, आपने उससे प्यार हो जाएगा भाई, कल नहीं 10 दिन में प्यार हो जाएगा भाई आपने उससे, माँ काम कुम छोड़ दो, बताओ मैं बता नहीं बेटा छोड़ दे, कुत्ता ले आऊंगा, ले आऊंगा ना, आवाज वैसे आप किसी ने मार दो, लेकिन अब हाँ ना बताओ, हाँ ना बताओ, बस कुत्ता ले आऊंगा ना, क्यों कौन लेना, कोई एक रीजन कुत्ता ना लेने का, बस कौन लेना, एक रीजन बताओ, क्यों कौन सही लगता आपने कुत्ता, क्यों घेर लेंगे भाई, घर रखेंगे यार, कोई आओगा चोर आओगा तो पकड़ लेगा कुत्ता, पालेंगे भाई ना, रक्षा करेगा अपनी, अब भाई कुत्ता बहुत ज्यादा वफादार हो है, आदमी तो भी ज्यादा, वो तो मेरा है, तो फिर रखेंगे फिर भाई, अगर वफादार हो तो रखने दो ना कुत्ते, क्या दिक्कत है, सॉरी कुत्ता 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 कुत्ते नहीं कुत्ता, एक 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 ही रखना बस ना बेटा, मां तो मतलब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए जब तू घर पे हो, और तू कुत्ता रख, यहां की बात है, बस पढ़ाई पूरी हो जाए फिर कुत्ता लेकर आऊं, मैं कौन संभालूं, बात यह है 6 महीने भी कौन संभालूं, बहाने मारूं तेरे खातिर, छह महीने बहाने, तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए पर तू रख लिए, पर बात यह है कि मैंने कौन रखना, मम्मी 6 महीने में बड़ा हो जाए भाई, वो 6 भी ज्यादा बोलती है, 2-3 महीने में बड़ा हो जाए, प्यार करेगा, अरे खुद जाओगे बाहर पोटी करने, सब कुछ खुद करेगा, कुछ बताने की जरूरत को नहीं होती उसकी, माँ प्लीज प्लीज, अच्छा नू बताओ चलो फिर, अच्छा वैसे बता दो कि आपने कौन सी ब्रीड अच्छी लगा कुत्ते की, अरे यार देसी कुत्ते पसंद है, यो भाई सूखला कुत्ता है भाई जमा यो मेरी माँ ने पसंद है, नहीं मम्मी मेरी बात सुनो, मैंने पाल रखे है यो, सही है भाई, ये खाज लग रही है इसके, खाज उसके कौन लग सकते है, उसका कौन लगा भाई, नुआवांगे उसका अलग शैम्पू आओगा, अच्छा माँ मेरी बात सुनो, लैब्राडोर ले आऊंगे, वो ले आऊंगे पग, वो वोडाफोन वाला कुत्ता, दूसरी बात भी कर ले, परेशान खड़े करूँ यार, परेशान तो वो करेगा उस नाने तो, दो भाई मैं, भाई मैं पूछ के भी आ लिया, क्या रुपया का होगा, 25-30 हजार का होगा, मारनी है दिल्ली लेके जानी है, देख ले बेल्ट तेरी है, यार बेल्ट छोड़ो आप यार, की बेल्ट लावांगे जो उसके गले में बंधेगी, भूल जाओगा और फिर नया तन वापस हो जाएगी उल्टे पैर, ठीक है, कोई बात को नहीं, कुत्ते की बात हो रही है, नया की बात को नहीं हो रही, तो आपने कुत्ते की बात छोड़ दे, सामान जचा भूल के जाओ बार, प्लीज नहीं प्लीज सामान जचा, माँ सामान मैं पूरा जी चलूंगा, मैं ना आपने कहते तंग करूँ, एक कुत्ता लेने दो भाई प्यारा सा, अच्छा माँ माँ मैं माँ पक्की बात है, माँ मैं वो पूछ लिया है, हाँ उंगली बार नहीं, मम्मी इतना मांगूंगा इतना, मैंने वो बड़ा चाहिए, बड़ा ही लिया मांगू ना, बड़ा को छोटा बच्चा है उसने, छोटे बच्चे ने बड़ा करांगे, उसका नाम धरांगे आप, वो के धरा उसका नाम बताओ मैं आपका के धरा, उसका नाम धरांगे प्यारा मम्मी माँ, उसका नाम आप वो धर जाएंगे आप, चमेली कुतिया ले आवांगे, कुतिया ले आऊंगा उसका नाम बनाएंगे, चमेली इधर आ, ठीक है हाँ ठीक है, अच्छा मान के जा गाइस, मम्मी मान चुकी है, हम घर में कुत्ता लेके आ रहे हैं, ओके हाँ भरो पक्की बात है, नहीं सबके सामने हाँ भरी आपने, गाइस मैंने अभी एक चीज नोटिस की, ये मेरा कमरा है भाई भाई, और मैंने इस कमरे में एक दिन भी व्लॉगिंग नहीं की है, मम्मी एक दिन नहीं दिखाया मैंने ये कमरा, सॉरी गाइस ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है, तो बहस वूस ना करना है मैं, ये अच्छी डिबेट थी, घर में कुत्ता होना चाहिए, गाइस मुझे भी यार वो बनना है यार, लोग रील डालते हैं कुत्ते के साथ कितने मजे आते हैं, हमारा ये हमारा वो, मेरी भी चमेली इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि मैं कौन सी ब्रीड लेके आ रहा हूँ, ठीक है पक्का ला रहे हैं आप, हाँ ओके गाइस, इस ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके बाय।